बांदा में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे विद्यार्थी परिषद बांदा के पदाधिकारियों ने पॉलिटेक्निक छात्रों के साथ प्रदर्शन कर जिलाधिकारी बांदा को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। पूरा मामला बांदा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों का है, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक के लगभग 70% छात्रों को फेल कर दिया गया है। छात्रों ने बताया कि पॉलिटेक्निक में शिक्षा माफियाओं द्वारा ये बड़ा स्कैम किया जा रहा है। हाँ, मेन पेपर के नाम पर प्रति छात्र 500 रुपये लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में यदि 70% छात्रों से बैंक पेपर के नाम पर प्रति सब्जेक्ट 500 रुपये लिया जाएगा, ऐसे में करोड़ों रुपए का मामला बनता है। पॉलिटेक्निक अच्छा तो है, सरकार हो तो शासन से मांग है कि विद्यालय द्वारा लागू प्रति सब्जेक्ट 500 समाप्त कर निशुल्क किया जाए। मेरा नाम सत्यम सोनी है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारायणी बांदा का छात्र हूं, जिसमें हमारी मांग यह है कि कई लगभग 70% छात्रों को फेल किया गया है, जो कि पॉलिटेक्निक के छात्र हैं और उनकी ईयर बैग है जो और काफ़ी बैग के हैं और ईयर बैग भी है, जिनको हमारी मांग है कि काफ़ी को दोबारा रीचेक किया जाए और हमारी शुल्क जो भी 500 रुपये ली जाती है उसको निःशुल्क किया जाए, जिससे छात्र अपनी कापी को लेकर संतुष्ट हो जाए और हमारी जो कापी आती है वो ईमेल में भेजी जाए, जाके हम देख सकें और अपनी कापी से संतुष्ट हो सकें। हमारी VTUP से यही मतलब मांग है कि हमारी कापी को रिचेक किया जाए, निःशुल्क किया जाए और हमारी कापी को ईमेल में भेजा जाए, जिससे हम अपनी कापी को देख सकें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।